thank you Sir, be quick, <coughs> okay, sir. <coughs> सर हमान सी एडुकेशन ऑल सेट माहौल कैसे हो यस सर गुड मॉर्निंग उधर से आवाज आ रही सर लास्ट में से इधर सर गुड मॉर्निंग यस सरकार माहौल जबरदस्त शानदार पक्का सर जीएसटी क्या होता है कैसे होता है ऑल क्लियर पक्का ओके गुड तो सर अब तक हमने बात करी <coughs> ये ब्लिंक हो रहा भैया बार बार देखिए अब तक तो हमने बात करी कि सर दस का क्रेडिट क्यों मिला इसमें एनर्जी नहीं मिली मेरे को सर आपकी दसडिट पका गुड सर हमने समझ लिया एक्सरसाइज क्या होता है सर्विस टैक्स क्या होता है वेट क्या होता है पुराने लोज में क्या लकुना था जिसकी वजह से जीएसटी आया क्लियर इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है इंट्रा स्टेट पर सी और एस जीएसटी लगता है इंटरसेट सप्लाई पर आई लगता है हा है ना मेरे मालिक क्लियर सर आई का क्रेडिट वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट क्लियर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स यहां तक पिक्चर आपकी सेट हो गई यहां पे क्लियर अरे पक्का ओके okay. <coughs> सर यहां तक तो हमने एक ओवरव्यू लिया एक पिक्चर समझी कि आखिर जीएसटी क्या होता है आखिर जीएसटी क्यों आया और जीएसटी कैसे आया अब जीएसटी क्या आया वो भी बात कर ले क्या सर चलिए सरकार अब शुरू करते हैं एक्चुअली द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी शुरू करें मालिक <coughs> अच्छा एक बार उससे पहले सब लोग दिल से समझ में आया कि नहीं आ रहे पक्का ना सर हंड्रेड परसेंट सर यू you नो know, ये जो आपकी लाइफ का ये जो वक्त है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ क्लियर तो एट द सेम टाइम वो टाइम आप जब हमारे लिए यहाँ दे रहे हो तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बढ़िया थी है सर कि वो टाइम स्पेंड नहीं होना चाहिए वो टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए सो आई होप जिस एक्सपेक्टेशन से आप आए हो आई होप जिस उम्मीद से आपके पेरेंट्स ने आपको यहां भेजा है मैं भगवान से ही प्रेयर करता हूँ वो कभी टूटे नहीं सर आई होप आपको समझ मारा चीजें अरे क्लियर पक्का तो शुरू करेगा जीएसटी सर ओके okay, तो सर सबसे पहली बात सेक्शन नंबर हमने बात करी थी सी जी एक्ट अच्छा हम पढ़ रहे क्या सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन सेबल हुआ फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन से एंटायर इंडिया अच्छा सुन सुनना सेक्शन वन सी जी एस टी एक्ट का शोर्ट टाइटल शॉर्ट टाइटल इस एक्ट का नाम होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। फर्स्ट जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल होगा एंड इट शेल एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड भाई मैं 2017 की बात कर रहा हूं मैं 2017 की बात कर रहा हूं जब आर्टिकल नंबर थ्री सेवन जीरो नहीं हुआ था सर हा ना सर सर तो वहां क्या लिखा था एंटायर इंडिया एक्सेप्ट अच्छा ऐसा क्यों हुआ करता था बेटा हर जगह पता है क्योंकि कश्मीर हमारा था हमारा है हमारा पर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी इंडिया का पार्ट है बेटा पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट कोई भी कानून वहां अप्लाई होने से पहले वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्क्रस रिक्वायर्ड थी मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हाँ साहब हमारे यहां भी एप्लीकेबल कर दो तो एप्लीकेबल होगा वरना तुम तुम्हारा अप्लाई करो पूरे इंडिया में हमारे यहाँ अपलाई नहीं होगा यह सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो पूरे इंडिया में अप्लाई होता ना बेटा यार वो पर कश्मीर गवर्नमेंट बोलेगी हाँ हमारे अप्लाई होगा तो ही अप्लाई होगा वरना अप्लाई होगा ही नहीं ये सिस्टम था पहले क्लियर तो फर्स्ट जुलाई सेवनटीन को जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ वहां लिखा क्या दिस विल अप्लाई टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर सर आठ जुलाई को महबूबा मान गई महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूं भाई सर आठ जुलाई दो हजार सत्रह को स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके जम्मू एंड कश्मीर भी इसको एप्लीकेबल कर दिया क्योंकि सर वहां जो बैठा ना उसका नाम क्या है मोदी <coughs> क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा था कि झक मार के उनको एक्सेप्ट करना ही था अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो नुकसान उन्हीं का था क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजन टैक्स जितनी गुड सर्विसेज वहां कंज्यूम होगी उनका रेवेन्यू उनको नहीं मिलता है हाँ ना और सर अल्टीमेटली महबूबा को मानना ही पड़ा ऐसे नहीं तो वैसे क्लियर समझ में क्या कहना चाह रहा हूं बेटा इसलिए महबूबा को पहले ही मान जाना चाहिए बेटा अरे क्लियर तू क्या इमेजिन कर रहा है भाई पक्का ना हाँ सर यहां तक समझ में आया हंड्रेड परसेंट ओके सो एट जुलाई से सीजीएसटी एक्ट इज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर अच्छा आर्टिकल थ्री सेवेंटी हटने के बाद तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं सर पावर ही खत्म कर दिया सारा उनका सर ओके okay, मालिक ठीक सर <coughs> अभी सर कोई भी एक्ट कोई भी टैक्स किसी भी एक्ट के थ्रू जब कोई टैक्स चार्ज होता है बेटा तो कब चार्ज होगा क्या एक्टिविटी करने में चार्ज होगा वो किसी एक सेक्शन में लिखा होता है और वो एक्टिविटी आप करोगे तो ही वो टैक्स चार्ज होगा बेटा दैट सेक्शन 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 इज कॉल्ड चार्जिंग वो section है कौन सा नंबर देखो section one कभी भी चार्जिंग सेक्शन हो ही नहीं सकता बेटा अच्छा एक बात हो किसी भी एक्ट को पढ़ लो किसी भी रूल को पढ़ लो आप बेटा हमेशा रूल नंबर वन या अगर एक्ट है तो सेक्शन नंबर वन इस एक्ट का नाम क्या है किस दिन से एप्लीकेबल होगा और कहां अप्लाई होगा बेटा क्लियर सेक्शन नंबर टू यूजअली नाइनटी टाइन परसेंट मैंने देखा डेफिनेशन होती बेटा ठीक <coughs> है अभी बाकी बीच के सेक्शन बाद में बात करूंगा मैं आपसे अभी आ रहा हूं सेक्शन नंबर नाइन चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर वन पता क्या कहता है सी जी एस टी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत एक्सेप्ट कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजेंशन दारू पे जीएसटी नहीं लगता पता आपको पता ही होगा आपको तो सर दारू पे दारू पे जीएसटी पता है क्यों चलो एक काम करता हूं मैं पूरा एक बार बोल देता हूं फिर मैं यहां लिखूंगा उसके बाद एक पॉइंट बढ़ेंगे सर हम ओके तो सर सी जी एस बिल डोट इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सेप्ट स्टेट ऑफ एक्सेप्ट एल फॉर ह्यूमन कंजमशन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकेशन जीएसटी काउंसिल्वेंटी ऐसा लिखा है <clears throat> और हां 15 मिनट बाद अगर इस स्पीड से मैंने आपसे नहीं बुलवाया तो मेरी गारंटी सर ओके okay? और मैं आपको याद नहीं कराऊंगा ओके okay, याद देखते हैं, देखते सर चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर वन बहुत भारी हो तुम लोग तो यार <coughs> पूरे फुल ट्रेंड हो बेटा आप लोग दर्शन सर ने विजय सर ने फुल ट्रेंड क्या हुआ है और मेरे को लगता है मैं तो आपको जीएसटी पढ़ा दूंगा और पता नहीं आप में रुक या पढ़ा दोगे <laughs> सर सुनना <laughs> क्या एक्सचेंज एक्सचेंज भी आने वाला सर इसमें देखने ध्यान से ओके okay, सरकार सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन बोलता है मालिक क्या सी जीएसटी शेल बी लेवेड ऑन इंट्रा एस्टेट सप्लाई ऑफ वोट गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजुप्शन एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजुम्पशन दारू समझ में रहा है बेटा आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया बेटा तो आपको एक्सेप्ट एल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ओ भाई नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा डेलीगेटेड पावर दे दिया गवर्नमेंट को और जब भी जीएसटी में डेलीगेटेड पावर आ जाए कि गवर्नमेंट डायट नोटिफाई कर सकता है तो हमेशा ध्यान रखना ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी जल्दी बताओ रिकमेंडेशन मोदी जी अमित शाह वो रिकमेंड yes. नहीं करता बेटा डायर कर देता बेटा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट बट मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी जीएसटी कैन बी 20% मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20% अब ये जो टैक्स लगेगा किस पे लगेगा बेटा वैल्यू किस पे लगेगा बेटा वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो डिफाइन होगा अंडर सेक्शन 15 जो हम अलग से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर बेटा वैल्यूएशन का बेटा टैक्स किस पे चार्ज होगा बेटा वैल्यू पे एंड इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन फुल स्टॉप। ओके मालिक ये सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन ये मैंने लिखा है अभी पढ़ाया नहीं है, अब शुरू कर रहे सर बात को शुरू करू बेटा मैं आपके लिए शुरू करें कर बात को हम okay, तो सर, ओ भाई हम क्या पढ़ रहे अभी सी जीएसटी एक्ट तो हम सी की बात कर रहे भाई और जहां सी लगता है वहां पे एस भी लगेगा बेटा हा है ना भाई सर और अगर यूनियन टेरिटरी तो सी के साथ क्या लगेगा यूटी जीएसटी लगेगा बच्चों और हम बात करें भी क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई की किसकी बात करें बच्चे इंटर की बात नहीं कर रहे इंटर स्टेट सप्लाई भी क्या लगता है बेटा आवाज ढंग से नहीं आ रही देखो यार तो गला केवल मेरा खराब नहीं होना चाहिए आपका भी खराब करके भेजूंगा मैं ओके सर सीजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस आइए कौन बोला रहे plus? मेरी बात ओके सर इंट्रास्ट सप्लाई पर हां हम पढ़ रहे क्या बेटा सीजीएसटी एक्ट सेम सेक्शन सेम वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कहा एसजीएसटी एक्ट okay. के सेम सेक्शन नंबर सेम सेक्शन नंबर के साथ में सब सेक्शन नंबर भी सेम बेटा ओके मालिक पर एसजीएसटी हमारे कोर्स में नहीं आता बेटा सीजीएसटी हमारे कोर्स में था हम उसी की बात कर रहे हैं बेटा ओके okay, मालिक ठीक चलिए सरकार सीजीएसटी शैल बी लेविड एक-एक वर्ड का ऑपरेशन करते हैं अब हम सीजीएसटी शैल बी लेविड चलिए ये लेवी का मतलब क्या होता है चार्ज होना टैक्स लगाना बेटा टैक्स बोल दिया गया ठीक रहेगा क्लियर है क्लेर? सर पॉइंट पे आ सी कि सर टैक्स इंपोज होना टैक्स लगना टैक्स चार्ज होना क्लियर सर ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से टैक्स लग रहा है ऐसा कौन सा आप एक्टिविटी कर रहे हो जिसके होने पर टैक्स लगेगा बेटा सर देखिए क्या लिखा है पे सी जे बी लेविड पर कौन सी एक्टिविटी पे होगा बेटा ये ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई क्या हो गया बेटा ओके okay. कैसा दिख रहा हूं मैं अच्छा एकदम <laughs> तो सरकार वीडियो क्लास वालों सब अच्छा दिख रहा है बेटा पका ओके okay, गुड सर यहां पे जो फेस टू फेस बैठे वो बोल हैं कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ बेटा ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं, नहीं ना कोई बात नहीं सर सुनना ओके ओके कोई बात नहीं सीजीएसटी लेवी। लेवी मतलब टैक्स टैक्स चार्ज होना है लगना ये सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन वन ने बताया कि सीजीएसटी लेवी कब होगा बेटा यू टेल सी जीएसटी लेवी कब होगा ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से टैक्स लेवी होगा इंटरेस्टेड सप्लाई अच्छा ना मैन्युफैक्चर पे ना सेल पे क्लियर सीजी भी होगा सप्लाई पे और हां ध्यान देना बेटा केवल गुड्स के टैक्सेस मर्ज नहीं हुए सर्विसेस के टैक्सेस तो मर्ज हुए सर इसलिए क्या लिखा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और, और, और अच्छा और बोथ जो लिखा ना बेटा मतलब गुड्स और तो सर्विस का कोई कॉम्बिनेशन हो बेटा वैसे बोथ वर्ड नहीं लिखते टेक्निकली बात करूं मैं तो भी चलता क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर एट वहां पे मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का आएगा, उसकी वजह से ये बहुत का नहीं रहता पर फिर भी गवर्नमेंट क्या बहुत होशियार है, है बेटा अगर कोई एक्टिविटी चार्जिंग सेक्शन से ही बाहर हो जाए गलती से तो जब टैक्स इंपोज ही नहीं हुआ तो सर कलेक्ट करने की बात तो आएगी ही नहीं सर हा है ना भाई भाई टैक्स लगेगा तो कलेक्ट करने की बात आएगी ना यार इसलिए गवर्नमेंट ने सेफ्टी के लिए और बहुत लिखा है बेटा ओके पर हां कोई गलत भी नहीं लिखा है सिंपल सी बात है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है गुड्स तो, हो या सर्विसेज हो या दोनों हो कॉम्बिनेशन गुड्स मतलब माल एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बेटा अच्छा आइटम वेरी गुड बेटा सर्विसेज पे भी ये टैक्स बेटा है ना सर सुनना सर गुड्स और और बहुत. Okay, 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 okay. सर, और ओके 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 सर इसका गुड्स और सर्विस का ऑपरेशन करेंगे बाद में बेटा क्लियर जब सही वक्त आएगा तब क्योंकि आपको पता है क्या वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता तो सर सी जी एस टील भी इंट्रास्टेट सप्लाई वोट गुड्स और सर्विस और बहुत एक्सेप्ट एक्सेप्ट दारू दारू, दारू कौन सी बेटा पीने वाली बेटा लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसलिए दारू लिखा मैंने बेटा एक मिनट एल्कोहल लिकर का कोई दूसरा यूज भी है क्या बेटा क्या दवाई बेटा कुछ लोगों के लिए दारू दवाई बेटा है ना अबे ओ सर एल्कोल लिकर इज यूज्ड

कि उनका गला खराब होता है कब सिर्फ पी लेते वो बेटा तो मैं बोलता हूँ कब सिर्फ इतनी सी पीनी होती है आप इतनी पी हो सर तो सर सुनना ब्रेकअप पे तकलीफ यही है बेटा तुम ब्रेकअप पे पीते हो हम पैचअप पे पी लेते हैं सर <laughs> <laughs> जो हमारा ना हो सका वो किसी और का क्या हो पाएगा तो सर पॉइंट ये एल्कोहलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन पर जीएसटी नहीं लगता पता है क्यों? क्योंकि बिफोर जीएसटी बिफोर जीएसटी दारू पर वेट तो लगता ही था सेल करने पर दारू के मैन्युफैक्चर करने पर

डोट वॉन्ट टू लूज द रेवेन्यू डोट वॉन्ट टू शेयर दू विध दी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ा रेवेन्यू था बेटा इसलिए जीएसटी में इंट्रोड्यूस नहीं किया जीएसटी से बाहर रखा और आज भी क्या लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है बेटा देखा होगा ना आपने तो फिर हाँ नहीं देखा बेटा चढ़ने के बाद दिखता क्या है बेटा तो सर <laughs> यहां तक बात समझे मेरी आप अरे पक्का ओके 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 सर एल्कोहल पर अभी भी जीएसटी नहीं है रीजन समझ में आया आपको मेरा क्लियर ठीक से सर्विस और, और बोथ एक्सेप्ट एलकोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन एट द रेट किस रेट से टैक्स लगेगा 18 परसेंट नाइन परसेंट फाइव परसेंट क्या लगेगा सर नोटिफाइड बाय दी गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करेगी वो रेट गवर्नमेंट लगाएगा और जो रेट सी में लगेगी वही किस एस जीएसटी में क्लियर और आई कितना होगा बेटा सी प्लस एस की जो रेट होती है वो होती है क्या आई बेटा ठीक है और रेट ऑफ टैक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है पूरा शेड्यूल दे रखा है सर जिसमें लाखों गुड्स हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन देगा आपको बेटा ठीक है मालिक ठीक दर्शन आ रहा समझ में बेटा गुड वेरी गुड बेटा तो सर <laughs> सुनना <laughs> सुना सुना, तुछ। तुछ। सुना। तुछ। सर अब मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कितनी हो सकती है बेटा सर एक मिनट एक मिनट द रेट ऑफ जीएसटी यहां एक्ट में लिख डाला एक्ट में लिख डाला कि सर रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बट मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी ट्वेंटी परसेंट मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20 से ऊपर सीजीएसटी नहीं लगेगा अच्छा मतलब जीएसटी की रेट कितनी हो सकती है बेटा 40 आ, क्योंकि 20 सी 20 एस हा है ना भाई आ, क्लियर क्योंकि जहां सी लग रहा हो कंपलसरी एस तो लगेगा लगेगा और यही अगर आईजीएसटी पढ़ेंगे तो मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कैन बी 40 परसेंट समझे मेरी बात बेटा पक्का पोच गया तक बेटा? Okay. तो अब ये जो रेट ऑफ टैक्स किस पे लगेगा क्या हम इनकम टैक्स पढ़ रहे इनकम टैक्स लगता है कितना कमाया कितना गवाया है पे बेटा? यहां कमाओ या गवाओ वी डोंट केयर जो प्राइस कस्टमर से लिया है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या सर वैल्यू ऑफ सप्लाई ये एसी हमने परचेज किया रुपीज सेवेंटी थाउजेंड में मान लो तो सेवेंटी थाउजेंड में जीएसटी <coughs> हाँ ना भाई समझे मेरी बात पक्का बेटा ठीक सर तो केयर ओके भगवान ठीक सर तो सर इट शेल बी लेव एट द रेट मैक्सिमम रेट कैन बी ट्वेंटी में फिफ्टीन जब पड़ेंगे तो बात करेंगे सर एंड इट शेल बी पेबल टैक्सेबल पर्सन शेल ये क्या होता है भाई नो no इसलिए तो मैं आया बेटा सर टैक्सेबल पर्सन बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा अभी मैं क्योंकि अभी वक्त अभी शुरू हुआ है और जब इसका वक्त आएगा तो बात करेंगे अच्छे से बेटा क्या होता है धीरे धीरे माइंडसेट तैयार करना पड़ता है आपका अभी तो सारी बातें आज एक साथ नहीं बोल सकते पर अभी जितना काम का बता देता हूँ तो तो आपको टैक्सेबल पर्सन बताया क्या होता है पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी क्या बोला सर और अ पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और अ पर्सन हु इज पर्सन हुईबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बचो अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो तो टेक्सबल पर्सन है ही है और जैसे वो टेक्सबल पर्सन हुआ और उसने कोई भी गुड्स सर्विस अप्लाई करी जिसमें जीएसटी जिस लगता है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा अगर वो रजिस्टर्ड है तो और अगर वो रजिस्टर्ड तो। नहीं है एक मिनट एक मिनट अगर वो रजिस्टर्ड तो उसपे जीएसटी नहीं लगेगा वो जो सप्लाई करेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा पर वो रजिस्टर्ड नहीं है बट ही फॉर रजिस्ट्रेशन तो लग गए क्या लग गए जीएसटी 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 एक मिनट एक मिनट सर दो मिनट दो मिनट अभी ये बात पहुंची नहीं बेटा आप तक दो मिनट दो मिनट लगेंगे है ना नहीं पहुंची मुझे बताएं <coughs> सरकार जीएसटी में बेसिक एक्जिमिशन दे रखा है ट्वेंटी लाख रुपए का बेटा कितने का बेटा अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूं मैं आपको रजिस्ट्रेशन टॉपिक मेरा अभी नहीं है ये पॉइंट आया इसलिए बता रहा मैं आपको बेटा एक मस्त पॉइंट बता रहा मुझे आपको एक्चुअली इसलिए मतलब आपका टर्नओवर साल का एनुअल टर्नओवर 20 लाख अगर क्रॉस होता है 20 लाख रुपए क्रॉस होता है तो ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है वरना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना ये बेसिक आइडिया है इसके कुछ एक्सेप्शन भी है पर मेरा पॉइंट अभी ये नहीं है <coughs> तो जस्ट आइडिया के लिए सुनिए बेटा तो जिसका टर्न ओवर लाख क्रॉस कर गया ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा हूं हूं करना पड़ेगा सर आपको ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा पर मान लो उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया भूल गया पता ही नहीं था ध्यान कहीं और था, ध्यान कहीं और था, सर अब पॉइंट या आता है कि सरकार आपका टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन लिमिट को क्रॉस कर गया था बट आपने रजिस्ट्रेशन बट यू आर अ पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इफ यू आर अ पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन देन यू आर अ टैक्सेबल पर्सन एक मिनट थोड़ा दो मिनट है ना थोड़ा डेप में जाके देखो डेप में जाना इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना डेप से डाके वापस बाहर आना है बेटा अरे यार आप <laughs> आप बहुत भारी हुए हैं मैं कह रहा ना आप <coughs> अरे ध्यान दो भाई मैं मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं आप मेरे को कुछ और ही सिखा रहे हो सर आप सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर

क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूं क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूं तो सर जो एसी में बेच रहा हूं बीस लाख का टर्नओवर ओवर क्रॉस होने के बाद बताओ उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा।, लगेगा एंसर चार्जिंग सेक्शन में बोल दिया क्या कि दिमाग खराब करना मंगल इफ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा सो अगर ही मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया वी डोंट केयर टैक्स तो हम आपसे लेंगे हाँ या ना दूसरी बात अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया होता तो मतलब इज्जत से टैक्स दे दो ज्यादा अच्छा है नहीं तो हम इज्जत बिगाड़ के टैक्स लेंगे और हाँ सर यहां पे जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो ना बेटा उसमें इज्जत इतनी भारी बिगड़ती बेटा हम सोच भी नहीं सकते और मैं भी आपको बता भी नहीं सकता सर क्योंकि वो वक्त मैंने बोला ना किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता मतलब टैक्स भी पे करना पड़ेगा पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा कस्टमर से टैक्स भी नहीं ले पाओगे और आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा बैंड बजा नहीं दुकान बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सर अभी इसलिए बता नहीं रहा मैं आपको ये सारी बातें ठीक है बात करेंगे बाद में बेटा हाँ ना मेरे मालिक सर पर हाँ अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो 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 बेकर नहीं पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी चलिए सेकंड बात मान लो मेरा टर्न ओवर बीस लाख करोड़ रुपए क्रॉस नहीं हुआ आई एम नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और मैंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया सर तो आई एम अ स्मॉल डीलर बेटा हाँ ना मेरे मालिक तो ना तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं बेटा नहीं मैं

मान लो मेरा टर्न ऑवर बीस लाख रुपए क्रॉस नहीं हो रहा बेटा पर फिर भी मेरे को होशियारी लगाने की आदत है उसको बोलते वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन बेटा क्या बोलते सर उसको मेरा लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ आई एम नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट आई हूं मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ तो लग गए क्या लग गए जीएसटी क्योंकि चार्जिंग में रजिस्ट्रेशन करा तो सोच समझ कराना बेटा अगर आपका रजिस्ट्रेशन की लाइविलिटी नहीं है फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो जैसे ही आपने सप्लाई किया जीएसटी पे करना पड़ेगा हाँ ना भाई क्लियर ये टेक्सवल पर्सन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया आपको, सर? अच्छा इन डेप्थ मैंने नहीं पढ़ाया कुछ बेटा सही वक्त पे जब ये पॉइंट आएगा टॉपिक आएगा तो मैं आपको शिद्दत से और मोहब्बत पढ़ाऊंगा बेटा इसको ठीक बेटा, है अभी कल लिंक करा है मैंने आपको बेटा ओके क्योंकि मेरे को आपको समझाना था बच्चों की मजाक मस्ती अपनी जगह ठीक है पर सर टॉपिक कितना जोरदार है सर यह है. हाँ ना इसकी इंपोर्टेंस क्रिएट करनी थी मेरे को इसलिए मैंने आपको बताया बच्चों ठीक है रजिस्ट्रेशन आपने कराया या नहीं कराया केवल उससे रजिस्ट्रेशन तो हो बेटा क्लियर या थे इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया बेटा सेकंड थिंग अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया बट इफ यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन लग गए बेटा हाँ ना क्लियर और जीएसटी पे करना पड़ेगा मालिक यहां तक समझ में आया क्या है?

ट्वेंटी परसेंट पर ये टैक्स लगेगा किस पर लगेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड इट शेल बी पेबल टैक्स हा है ना सर पक्का हंड्रेड परसेंट ओके तो सर सी लेवी कब होगा सी लेवी कब होगा बोलो सर एस लेवी कब होगा बोलो बोलो बोलो, बोलो इंटरेस्टेड अच्छा च्छा। च्छा, एक बात और आप जो भी आंसर दे रहे हो ना बेटा एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे पता है क्या है आप सबसे बेटा आप लोग आंसर दो और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि, कि किसी का भी आंसर अगर गलत हो जाएगा ना, ना बेटा तो कोई दूसरा उस पर कमेंट मत करो बेटा ना उस पर हंसो बच्चों क्लियर सर अगर आंसर गलत हुआ ना सर मैं मेरा प्रोमिस दे रहा हूं आपसे सर वो आंसर मैं सही करूंगा आपसे सर मेरा काम ही यही है सर क्लियर बस उसको डीमोटिवेट मत करना आप लोग कि वो आंसर नहीं दे बेटा ओके क्लियर सर और मैंने आपको कल बताया है अगर आंसर गलत हो क्या सोचने का यस yes, मजा आ गया साहब जो गलत आ रहा था वो सही हो गया क्लियर सो इन्वॉल्व होइए बात करिए माहौल बनाने का मेरा है सर सर सी जे सी शेल लेविड ऑन अवर्ड गुड सो सभी सर बहुत एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन अरे है ना भाई क्लियर एंड इट शेल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन अरे यस या नो पक्का चलिए सर सी लेवी कब होता है बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाय सीजीएसटी लेवी कब होता है बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई क्लियर एसजीएसटी लेवी कब होगा इंटर स्टेट एस जीएसटी लेवी कब होगा बेटा स्टेट सप्लाई क्लियर आई जी एस टी लेवी कब होगा बेटा इंटर स्टेट सप्लाई जो सेक्शन नंबर फाइव जो सेक्शन नंबर नाइन सबसे हमने पढ़ा है जो सेक्शन नंबर

इंटर स्टेट सप्लाय और वोट गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट बट मैक्सीम रेट ऑफ आई जीएसटी कैन बी फोर्टी परसेंट हायर सर आईजीएसटी आईजीएसटी कैन बी फोर्टी क्योंकि आईजीएसटी से सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सो मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कैन बी 40 ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई एंड इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल हाय ना मलिक? पक्का बस मैं ये चाहता हूं बेटा कि आपके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करूं सर कि नेक्स्ट पॉइंट अपने आप आप बोल दे बेटा क्लियर सर मैं आपको यही समझा रहा हूं दो दिन से कि कोई भी प्रोविजन पढ़ो ये समझो वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है क्या हो रहा है अपने आप समझ में आएगा क्लियर और मैं कह रहा हूं चीजों को याद करने की कोशिश मत करो चीजों को सोल्व करने की कोशिश करो जब आप चीजों को सोल्व करने की कोशिश करोगे ना सर उसको याद करना नहीं पड़ेगा सर आपको ओके बच्चों ठीक सर तो सर सी लेवी का होता बेटा इंट्रास्टेट सप्लाई एस जीएसटी यूटी जीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई करो तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई आईजीएसटी। अच्छा सीजीएसटी कब लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई है। आईजीएसटी। मतलब सर सी हो या एस हो या आई हो जीएसटी लेवी कब होता है साहब इंटर हो या इंट्रा हो सी हो या आई हो सर जीएसटी कब लेवी होगा सप्लाई पर सर मतलब अल्टीमेटली आप कहना चाह रहे हो कि सर जीएसटी लेवी कब होता है बेटा सप्लाई पे हा है ना भाई मैंने ना सी लिखा है ना आई लिखा बेटा क्लियर अच्छा एक मिनट एक मिनट ये होशारिये तो एक चीज मुझे बताना सर लास्ट आप सर मैं पूछूंगा भले दो बार पूछूंगा आप आंसर देंगे बेटा भले सेम क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा पक्का! तो आप मुझे बताओ ऐसा वो कौन सा इवेंट है जिसके होने पे जीएसटी लगता है ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पे ये पर्टिकुलर टैक्स एप्लीकेबल होता है ऐसा वो कौन सा इवेंट है जिसके होने पर टैक्स एबल होता है बेटा सो वट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी वट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी भारत माता की जय सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है वो इवेंट जिसके होने पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है वो इवेंट जिसके होने पर कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट बताओ एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट क्या है एक्साइज का टैक्सीबल इवेंट क्या है गुड्स yes. हाँ yes. पे क्या ना इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या लगता है बेटा कस्टम्स yes. तो कस्टम्स का टैक्स इवेंट क्या है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बच्चों हाँ ना भाई yes. मतलब आप समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूं आपको बेटा सर मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन पढ़ा दू और आप उसका आंसर याद कर ले मैं आपको वो फॉर्मूला देना चाहता हूं जिससे आंसर बनते हैं क्लियर केस कोई भी आ जाए बच्चों हाँ है ना भाई क्लियर सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई यहां तक पहुंच गए क्या बेटा आप क्लियर ये था हमारा सेक्शन नंबर नाइन नंबर वन शायद आपको बात समझ में आई बेटा ये क्लियर सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन नंबर टू पता है क्या बोलता है बेटा पांच गुड्स कितने गुड्स बेटा पांच ठीक <coughs> <coughs> पांच गुड्स ऐसे है जिन पे जीएसटी लगेगा जिन पर जीएसटी लगेगा बट कब से लगेगा अभी नहीं लगेगा गवर्नमेंट बताएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल उस दिन से लगेगा अभी इन पे जीएसटी नहीं लगता पांच गुड्स पेट्रोलियम वाले गुड्स बेटा पेट्रोल डीजल होते है ना सर कभी पिए आपने बेटा नहीं।, नहीं ओके ओके सुंगा है उसको अच्छा लगता है ना बेटा ओके गुड गुड बेटा सर सुनना रहे। सर सर पेट्रोलियम गुड्स नाम लिख दू बेटा मैं यहां पे पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल सर मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में लगता है वो और नेचुरल गैस या लिखता हूं बेटा सर ये वैसे नाम बुक में लिखे बेटा पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल जिसको हम डीजल बोलते हैं नॉर्मली बेटा क्लियर मोटर स्पिरिट जिसको प्यार से बोलते पेट्रोल

जीएसटी नहीं लगता है और क्या है है हाँ ना ना सर ना? ये सर पता है क्यों अगेन देखो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी मैंने क्वेश्चन अलग पूछा मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी परसेंट और पेट्रोल डीजल पर और इन गुड्स पर बहुत हैवी टैक्सेस है बेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बेटा हाँ ना भाई

पेट्रोल डीजल की प्राइस अलग अलग होती है बेटा होती है ना सर क्यों वो वेट का डिफरेंस है सर हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से वेट लगा रखा है सर हा ना मलिक क्लियर इसको अब तक मर्ज नहीं किया तो एट प्रसेंट टोटल कितनी गुड्स है जिनपे जीएसटी नहीं लगता है छे बेवड़ो अरे छे है ना अरे बेवड़े बेवड़ो पे जीएसटी क्लियर तो घूम लो और झूम लो दोनों पे जीएसटी नहीं है बेटा अभी घूम लो अरे चूम लो नहीं रहे <laughs> सर घूम लो झूम लो दोनों पे जीएसटी नहीं है सर सर पर हा, इन दोनों पे अभी भी एक्साइज और वेट लगता है एक्साइज और वेट इज लेविड ऑन दीज गुड्स ठीक है मालिक समझे सो टोटल दे आर सिक्स गुड्स घूम लो झूम लो क्लियर पका डन आइए सर सेक्शन नाइन सेक्शन थ्री की बात करता मैं आपसे जोरदार <coughs> लोग आप तो यार सरकार सेक्शन नाइन सेक्शन थ्री अच्छा यार एक चीज बताओ ये जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है यार सर, ओ मालिक जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है सर इनडायरेक्ट टैक्स है सर इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करता है बेटा सप्लायर टैक्स पे करता है <coughs> <coughs> भाई अल्टीमेटली रेसिबेंट पे करता है पर गवर्नमेंट को कौन पे करता है भाई सप्लायर टैक्स पे करता है बेटा पर कुछ केस में सप्लायर बदमाश थे बेटा गवर्नमेंट को भी उनसे डर लगता था बेटा तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हम इनसे टैक्स ना ले पाएंगे रेसिपेंट को बोल दिया रेसिपेंट हम तेरे से टैक्स लेंगे वहां सिस्टम रिवर्स कर दिया क्या कर दिया बेटा और वहां रेसिपेंट को बोल दिया कि रेसिपेंट तुम सप्लायर को केवल उसकी वैल्यू का पेमेंट कर देना टैक्स तो हम डायरेक्टली तुमसे ही लेंगे ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस है क्लियर वहां सिस्टम क्या कर दिया बेटा बोलो ना यार वहां टैक्स कौन पे करेगा रेसिपेंट क्लियर सिस्टम क्या कर दिया बेटा इसलिए उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलते हैं बेटा उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आर सी एम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और यूजुअली नॉर्मल कोर्स में जो टैक्स पे होता है वो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं उसको सर क्या बोलते हैं सर उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टैक्स कौन पे करता है गवर्नमेंट को बेटा मतलब यूजुअली नॉर्मल कोर्स में सप्लायर टैक्स पे करता है उसको बोलते फॉरवर्ड चार्ज और सर एक्सेप्शनल केस में जहां गवर्नमेंट बोलेगी हम बात करने वाले डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेटा नॉर्मली क्या होता है सप्लायर टैक्स लेता है और सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है पर कुछ एक्सेप्शन केस में जहां गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज लगा रखा है वहां क्या होगा बच्चे? सप्लायर को टैक्स पे नहीं करेगा डायरेक्ट रेसिपेंट किसको टैक्स पे करेगा बेटा गवर्नमेंट को पे करेगा मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ पर पहले मैं सेक्शन लिख दू बेटा आपके लिए सेक्शन नंबर नाइन नंबर थ्री बहुत ही भारी बेटा ये बोलता है गवर्नमेंट इज द पावर क्या लिखा बेटा आवाज यारी गवर्नमेंट इज द एक मिनट पावर पावर गवर्नमेंट को पावर दिया गवर्नमेंट को हमने पावर दिया मतलब डेलीगेटेड पावर है ना भाई power. बिना पार्लियामेंट के ही ये अमेंडमेंट कर सकते हैं बच्चा बिना ही पार्लियामेंट के ही बता सकते हैं बच्चों क्लियर क्या है बेटा गवर्नमेंट इज द पावर मतलब डेलीगेटेड पावर और जीएसटी में जितने भी जगह पे यहां डेलीगेटेड पावर दिख जाएगा वह हंड्रेड परसेंट क्या लिखा होगा ऑन दी रिकमेंडेंस ऑफ दी जीएसटी काउंसिल यस या नो गवर्नमेंट हैज़ द पावर दट ऑन द रिकमेंडें जीएसटी काउंसिल दे किन नोटिफाई नोटिफिकेशन शुरू करके बता सकते हैं देके नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ वो कुछ गुड्स और सर्विस और बहुत को नोटिफाई करके बता देंगे कि इन गुड्स इन सर्विसेज और में रेसिपियंट विल बी लाइबल टू पे टैक्स हु विल बी लाइबल टू पे टैक्स रेसिपिएंट विल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आर

टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट फुल stop. <coughs> अच्छा आपको समझ में आ रहा, रहा बेटा सब कुछ यू कंफर्टेबल ना बेटा क्लियर ठीक सर अच्छा जैसे आप लिखते हो बेटा कुछ अगर मान लो लिखते लिखते कुछ पेंडिंग रह जाए और मैं आगे निकलता हूं तो आई गिव द टाइम टू अ क्लिक है ना तो आप बाद में क्लिक कर सकते हो बेटा ओके okay. ठीक है बच्चों ये भी कंफर्टेबल तो है ना आपको सर पक्का ना बच्चों ठीक ठीक देखो मेरा अल्टीमेट एम क्या है सर हम यहां पे जितना टाइम है वो इफेक्टिव इतना अच्छा यूज सर कि वो हमारा माइंड बिल्कुल फ्लो में चलता रहे और सर पढ़ाई अपनी अच्छी हो बेटा ओके okay? सर सरकार गवर्नमेंट इज द पावर क्या बोला मालिक गवर्नमेंट इज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस बोथ और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या इन नोटिफाइड गुड्स और बोथ में रेसिपेंट लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स रिवर्समेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्टली और पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली मतलब यह है कि यहां ऑप्शन नहीं है यहां ऑप्शन यहां बोल दिया रेसिपेंट तुमको टैक्स पे करना मतलब तुमको ही टैक्स पे करना है। बात खत्म Clear? हम तो टैक्स आपसे ही लेंगे तुमने सप्लायर को कर अच्छा गवर्नमेंट ने भी सोच समझ के जैसे कोई, जैसे कोचिंग फी आपने कोचिंग फी दिया तो उसमें रिवर्स चार्ज नहीं लगाया बेटा क्योंकि वो स्टूडेंट्स को थोड़ा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे टैक्स पे करेंगे रिटर्न फाइल करेंगे वहां सप्लायर समझदार लोगे बेटा वैसे भी अब कोई डाउट है क्या तो सर वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देंगे बच्चों पर कुछ केस में जहां गवर्नमेंट को लगा कि हमसे ना हो पाएगा वहां रिवर्स लगायागाम्पल एक दू क्या यार तो तो क्या मजा आ जाएगा जीवन में सर आपको। दे चलो सर शानदार वाला एग्जाम्पल दू या ऐसे ही दे दू शानदार दू पक्का जबरदस्त चलो सर माहौल जबरदस्त शानदार आउट ऑफ इंडिया से सुनना मस्त पॉइंट एग्जाम्पल भी मैं आपके हिसाब से बनाता हूं सर ठीक है रशिया वो तो सर्विस एसी बेटा जिसपे टैक्स लगता तो है पर वो गवर्नमेंट को पता ही नहीं पड़ता है कि सर्विस हुई भी है क्या बेटा सर वरना घर पे क्या बोलोगे कि? किसपे टैक्स पे किया है सर सुनना <coughs> नहीं नहीं वो जब सही वक्त आएगा बताऊंगा उस नहीं है बेटा ओके ठीक 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 बताऊंगा मैं आपको ओके ओके इधर बट टिल देन बी सेफ पॉइंट है मेरा आपसे कि सर सावधान रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाते रहिए बेटा सरकार पॉइंट है मालिक

हमने तो कभी ली नहीं बेटा आपने ले ली सर सर आउट ऑफ इंडिया से आपने इंडिया में सर्विसेज ली तो वैसे ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है पर फॉर ऑफ जीएसटी इसको क्या बोलते हैं बेटा बेटा इंटर स्टेट हम पढ़ेंगे ऐसा एक्ट में में अगर आपके सिलेबस होगा तो ठीक है तो सर इस पर क्या लगता है बेटा आई जी क्या लगता है बेटा आईजीएसटी ठीक है अभी एग्जाम्पल दूंगा तो मजा आएगा सर आपको तो अभी मैंने बताया आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या लगता है बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस अरे इंपोर्ट ऑफ गुड्स लगता है कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर आईजीएसटी वैसे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम प्लस आईजीएसटी लगता है पर वो छोड़ो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या लगता है बेटा यह था समझ मैं आपको मेरा पक्का बेटा पॉइंट ओके मान लो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज ली बेटा सर्विस सप्लायर था कौन मिस्टर डॉन से सर्विसेज ली इंडिया में किसने मिस्टर कौन ने? डॉन से सर्विसेज इंडिया में ली किसने कौन ने वैल्यू ऑफ सर्विस बेटा सपोज टेन लेक्स सपोज टेन लेक्स सर आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा सर ah. ah. <laughs> आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करी सर वैल्यू सर्विस कितना था बेटा आवाज जारी सर टेन लैख उसमें मान लो लगता है क्या आईजीएसटी सपोज एटीन परसेंट रेट कितना हो गया बेटा वन लैख एटी थाउजेंड टोटल हो गया कितना बेटा इलेवन लैख एटी थाउजेंड इलेवन लैख एटी थाउजेंड का बिल था मान लो दो मिनट सर सर्विस प्रोवाइडर कौन डॉन डॉन का है बेटा आउट ऑफ इंडिया सर्विस रेसिपेंट कौन बता रहा ना कौन पूछ तोड़ रहा बेटा सर्विस रेसिपेंट कौन बता रहा हूं मैं पूछ तोड़ रहा हूं सर्विस प्रोवाइडर कौन सर्विस रेसिपेंट कौन कौन अब सर कौन ने डॉन सर्विस ली बेटा सोचो अगर पूरा 1180 कौन ने डॉन को पे कर दिया होता जिसमें वन एटी क्या बेटा आईजीएसटी आईजीएसटी किसका रेवेन्यू बेटा इंडियन गवर्नमेंट का बेटा क्लियर सर अब उसमें से वन एटी डॉन गवर्नमेंट को पे करना चाहिए बेटा इंडिया इंडिया वाली गवर्नमेंट को आपको लगता है इंडिया में आके अच्छा टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जीएसटी में पहले तो बेटा कोई डोनेशन का बॉक्स तो है नहीं जो डाल के चला गया बेटा क्लियर रजिस्ट्रेशन करा के बोलना पड़ेगा ना मैंने पे किया ये अमाउंट इतना आ रहा है ठीक है तो सर आपको लगता है डॉन हिंदुस्तान में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा टैक्स पे करेगा रिटर्न फाइल करेगा क्या टैक्स पे करेगा नहीं। क्या इंडियन गवर्नमेंट उसको पकड़ पाएगी नहीं। क्यों नहीं क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नहीं। नामुमकिन अरे इंडिया वालों से कलेक्ट नहीं हो पा रहा भाई इंडियन गवर्नमेंट इंडिया वालों से टैक्स नहीं ले पा रही आउट ऑफ इंडिया के खाक ले पाएगी बेटा अरे ये सुनो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू बन जाएगा आउट ऑफ इंडिया वाले लोगों से टैक्स इंडिया में लेके आना बेटा इसलिए इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ को रिवर्स कर दिया और और वहां वहां रिवर्स चार्ज लगा दिया दिया मिस्टर को बोल दिया कि तुम जब डॉन को पेमेंट करोगे तब केवल दस लाख का ही पेमेंट करना है उसको जीएसटी का अमाउंट पे करना ही मत और ये 180 जो है ये मिस्टर कौन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा बेटा है हाँ ना मेरे मालिक क्लियर तो दस लाख तो वो पे करेगा किसको डॉन को और वन एटी डाइट किसको पे करेगा गवर्नमेंट को कौन पे करेगा बताता रहा हूं कौन पे करेगा क्लियर तो सर ऐसे केस में कौन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा वन एटी मैं बता रहा हूं कौन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा वन लेख एटी थाउजेंड रुपी हाँ ना भाई क्लियर डॉन को कितना पे करेगा डॉन को कितना पे करेगा टेन लैख वन एटी हुई कौन कौन है रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट किसको टैक्स पे कर रहा है नॉर्मली कौन पे करता है सप्लायर यहां सिस्टम क्या कर दिया रिवर्स दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अच्छा क्या गवर्नमेंट को मजा आ रहा है कि रिवर्स चार्ज दो कहीं पे फॉरवर्ड चार्ज लगा दो ऐसा

ठीक है अभी तो एक दो एग्जाम्पल देखिए आपको समझा रहा कि होता है क्या रिवर्स चार्ज सर सेकंड एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते बेटा रिकवरी एजेंट अपॉइंट करते वसूली भाई करते ना सर जो अपना लोन का ई वगैरह पे नहीं करते टाइम पर उनके लिए वसूली भाई अपॉइंट होते बेटा वसूली भाई जितना वसूली करेंगे उसका एक सर्टन परसेंटेज उनको कमीशन मिलता है बेटा तो वसूली भाई आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम बैंक अरे भाई वसूली भाई अच्छा ये सर एग्जाम्पल उस चैप्टर में आएंगे वापस पूरे बेटा, तो आपका ध्यान इधर होना सर आपको अरे मेरी गारंटी है आप बाहर निकल के बात करना आपको चीजें याद रहेगी सर उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आप किसी से बात करके समझा सकते हो उसको ये क्या होता है क्लियर वो मेरा टारगेट है सर ओके जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उस टॉपिक के यू मस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बात खत्म ओके okay? वो लेवल से आपको पढ़ना है उस लेवल से मैं वो पढ़ाना है सर ओके okay, मालिक सुनना बात ध्यान से सर रिकवरी एजेंट वसूली भाई आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक देखो मैंने क्या कहा हाँ बोलने में तकलीफ होना बेटा यहाँ पे तो हूं तो करने में पड़ेगा सर <laughs> तो सर वसूली भाई आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक्स बैंक उसके बदले में उनको क्या देता बेटा कमीशन तो वसूली भाई आर सर्विस प्रोवाइडर क्लियर बैंक इज द सर्विस अब सोचो वसूली भाई अपना कमीशन का जो बिल लिख रहे हैं क्लियर उस पर अगर एटीन परसेंट जीएसटी लगा दिया और बैंक ने अगर वसूली भाई को वो जीएसटी का अमाउंट दे दिया रिकवरी एजेंट वसूली भाई गुंडे बेटा क्लियर क्या आपको लगता है वो वसूली भाई जीएसटी में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे रिटर्न फाइल करेंगे टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे वो लोग दो ऑफिसर उनसे रिकवरी करने गए बेटा वापस आया नहीं बेटा सर <laughs> क्लियर है गवर्नमेंट ने बोल दिया हमसे ना हो पाएगा वो वसूली भाई दुनिया से वसूल कर रहे हो तुम उनसे वसूल कर पाओगे क्या क्या इसलिए गवर्नमेंट ने वहां क्या लगा दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और बैंक को बोल दिया माफ करे आप रिकवरी एजेंट को उनका कमीशन का वैल्यू दे दो पर जो उस पर टैक्स बनता है वो हम डायरेक्ट आपसे लेंगे हमसे उनसे टैक्स रिकवरी ना हो पाएगा तो वहां क्या लगा दिया बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और वहां बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली तो सर वसूली भाई को केवल कमीशन का अमाउंट दिया जाएगा उस पर जीएसटी का अमाउंट जो है वो बैंक डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा बेटा है हाँ ना भाई क्लियर तो इस तरह के कुछ केसेस है जहां पे रिवर्स चार्ज लगाया इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था या बहुत डिफिकल्ट था गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना वहां सिस्टम को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया रिवर्स चार्ज लगाया और ये रिवर्स चार्ज नया नहीं है सर्विस टैक्स जब हुआ करता था तब भी सेम थे बता से रहा हूं अरे क्लियर समझे मेरी बात बेटा पक्का डन तो सरकार गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर देगा जहां रिवर्स चार्ज लगेगा बेटा हाँ ना भाई क्लियर और वहां टैक्स कौन पे करेगा रेसी पे करेगा ठीक है, ठीक सर आइए मालिक सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन नंबर फोर स्टाइल में बोलना है क्या स्टाइल में बोलू सेक्शन नंबर नाइन ऐसा? इससे आगे मत बढ़ो बेटा बस 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 अगेन 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 देख लो क्या लिखा मैंने सर जल्दी से देखो गवर्नमेंट इज पावर जैसे ही पावर बोल दूं, मतलब क्या है सर वो डेली पावर पर जीएसटी क्या मिलेगा जीएसटी बाकी कहीं भी पावर लिखा है मतलब वो क्या है power. कभी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देखिए अमेंडमेंट कर सकती है बिना पार्लियामेंट के बेटा ओके okay बेटा ठीक तो गवर्नमेंट इज द पावर दट ऑन दिकमेंड ऑफ जीएसटी काउंसिल देखे नोटिफाई देखे नोटिफाई सटेन रजिस्टर्ड पर्सन वो रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि अगर अच्छा एक बार पहले बोल देता हूँ फिर लिखता हूं बेटा अच्छा नॉर्मली एशरी क्या <coughs> बंदे को खड़ा करू बेटा में सिर्फ एक बंदा काफी है भाई सर पॉइंट आपसे मान लो सर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने आपसे कोई गुड्स परचेज किया बेटा <coughs> हो सकता ना यार आज देखो बाहर रेस्टोरेंट वाले ही सर बहुत सारे लोग वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है सर मैं तो जीएसटी रजिस्टर्ड बेटा

कि वो सप्लाईज वो गुड्स सर्विसेज जो नोटिफाई कर दी वो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करी अगर किससे बेटा, किसने करी, तो देखो अनरजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड नहीं है बेटा वो तो टैक्स पे करेगा नहीं बेटा तो गवर्नमेंट बोल दिया कोई बात नहीं मंगल तू तो समझदार है तू तो रजिस्टर्ड है तू टैक्स पे कर देना अंडर रिवर्स चार्ज अच्छा

या प्रमोटर चलो छोड़ो ना अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको अभी इसका चैप्टर आएगा तब बताऊंगा प्रमोटर बोलते हैं बेटा उसको वैसे आप बिल्डर लिख दो अभी आप टेंपरेरी इधर इधर ए होशारी बिल्डर से क्या जल्दी समझ में आएगा सर आपको प्रमोटर लिखा है लोग के अंदर ठीक है होशारी बिल्डर बिल्डर को बोल दिया कि बिल्डिंग बनाने के लिए तूने सीमेंट जो परचेस करी है वो रजिस्टर्ड पर्सन से ही परचेस करना कैसे परचेज करना बेटा तो रजिस्टर्ड पर्सन मान लो आप हो सीमेंट के डीलर हो बेटा आप <coughs> क्या बेचते हो बेटा सीमेंट के डीलर हो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो आप सब जब सीमेंट का बिल में को लिखेंगे क्या लगाएंगे बिल पे? अरे क्या लगाएंगे बिल पे मैंने खरीद लिया बेटा सीमेंट आपसे क्लियर और मैंने बिल्डिंग बना दी बेटा फ्लैट बना के बेच दी बेटा मैंने आपको ठीक हाँ पर अगर मैंने एक रुपए की भी सीमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद ली किससे खरीद ली बेटा तो वो तो अनरजिस्टर्ड बेटा जीएसटी नहीं बेटा तो अठारह उसमें रिवर्स चार्ज को एक लाख पे मान लो एटीन परसेंट टैक्स हजार रुपए किस को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कौन पे करेगा बेटा बिल्डर क्लियर

तो सर सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन फोर बोलता है क्या गवर्नमेंट हैज़ द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल दे सर्टेन रजिस्टर्ड पर्सन और उन रजिस्टर्ड पर्सन ने इफ आरपी मतलब रजिस्टर्ड इफ सच आर रजिस्टर्ड पर्सन

शैल बी लाइबल टू पे जी एस टी टू दमेंट डिरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मेकनिज्म एंड ऑल दी प्रोविजन्स ऑफ द एक्ट वील अप्लाय ऑन

अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस परचेज किया तो रेसिपेंट जो रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम बेटा हाँ ना भाई हाँ। अरे यहां तक बात समझ में आई अरे यस नो क्लियर ये था सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फोर अब क्या सेक्शन नंबर हाँ हाँ बस एक सेकंड एक सेकंड सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फाइव अच्छा आपने कभी ओला उबर रेपिडो नाम सुना है क्या यह कवर है सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फाइव में और ये लोग लाइबल होंगे पर यह टू बी कंटिन्यूड माहौल के साथ बेटा हाँ है ना भाई Care? तो सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फाइव में आपको अभी नहीं पढ़ा रहा ये कल बात करेंगे बच्चों क्लियर सर हाँ अभी एक काम करो जो मैंने स्लाइड्स आज लिखी है केवल सारी, yeah. सारी कर रहा हूं एक बार पहले लास्ट वाले कर लेता तो हूं बेटा आप लोग जो भी वीडियो क्लासेस में बेटा प्लीज क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स क्लियर इन और हाँ, रिक्वेस्ट, सर, बुक से, बुक से आपको पढ़ना शुरू करना है हाँ, आपके लिए बुक में लिखा हुआ है उसको एक बार रिवाइज भी करना रहेगा आपको बेटा ओके okay? क्लियर तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक जाएगा बच्चों ओके सो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर द डे माहौल के साथ पढ़िए बेटा एंसर लव लॉट भारत माता की ऑल द बेस्ट बेटा अच्छा एक बार जस्ट है मैं शुरू से कर रहा हूं बेटा आज बढ़ा है मैंने यहां से हमने आज शुरू किया बेटा प्लीज क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स लाइव वालों को बुक्स डिस्पैच कर दिया है आपको ट्रैकिंग आईडी आ गया होगा ट्रैकिंग आईडी नहीं आया तो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करो जो भी वीडियो क्लासेस में उनको बुक डिस्पेच हो चुका है ऑलरेडी और जो हमने आज पढ़ा है प्लीज उसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा आपके एंड पर थैंक यू बेटा संडे मेरे ख्याल से क्लास नहीं है कल ओके okay, मंडे अच्छा अब तो मंडे मिलने वाला हम कल छुट्टी आपके मजा जीवन में माहौल माहौल जब दस शानदार ऑल द बेस्ट बेटा पर ये केवल इसी संडे हो रहा है बेटा आपके लिए ना अगले संडे क्लास हो जाएगी सर देखेंगे सर ओके चलिए सरकार थैंक यू सो मच ऑल दी बेस्ट है गुड डे थैंक यू सो मच फॉर योर पैसेज थैंक यू सो मच माहौल थैंक यू सर थैंक यू सो मच कर दो स्टॉप वीडियो क्लास वाले बाय बाय माहौल